फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना मिट्टी के ही पौधे लगाना सिखाऊंगी, क्योंकि शहरों में मिट्टी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और अगर आप कहीं से मिट्टी लेकर आते भी हैं तो काफ़ी हैवी होती है, उसे लाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब्जियों के छिलके हैं और ये मेरा कंटेनर है जिसमें मैंने नीचे होल कर रखा है। जब भी आप किसी भी कंटेनर में पौधे लगाएँ तो होल ज़रूर कर लें। और ये मैंने सारे सब्जियों के छिलके इसमें भर देने हैं फ्रेंड्स। तो जितने भी आपके यहाँ सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, सब पॉट में नीचे साइड में भर देने चाहिए, जिससे हमारा पौधा नीचे से एनर्जीफुल होता जाए। और ऊपर से इसके मैं सैंड डालूँगी, जो मकान बनाने के काम में आप बालू यूज़ करते हैं उसको इसके ऊपर से भर दूँगी। ये बाद में, क्योंकि हरी सब्जी का छिलका है तो नीचे बाद में बैठ जाएगा और पौधे को काफ़ी एनर्जीफुल रखता है। तो इस तरह से इसको ऊपर से मैं इसमें बालू अब भरना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बालू हमें आसानी से मिल जाती है, हमारे घर में जो काम होता है तो बच भी जाती है। तो उससे मैं अपने पौधे तैयार करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपराजिता सफ़ेद वाला पौधा बीज डाला था तो उगा हुआ है, इसे निकाल करके इसी अपने पॉट पे लगा दूँगी, क्योंकि इसमें कई सारे पौधे लगे हुए हैं तो इसकी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो पाती उस जगह पर। तो पौधों का कलेक्शन करती रहती हूँ और धीरे धीरे मैं शिफ्ट करती रहती हूँ, जैसे मुझे पॉट समझ में आता है, मिलता है, उस हिसाब से मैं पौधे सेट करती जाती हूँ। फ्रेंड, जो मैंने ये पॉटिंग्स बनाई है बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल होती है और इससे हमारे पौधों को कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो ये बालू वाला ट्रिक बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो इसका यूज़ करें और ये मिट्टी आगे काफ़ी एनर्जीफुल बन जाती है बालू ही। तो इस तरह से ये बेलनुमा पौधा अपराजिता का होता है, घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अभी सपोर्ट के लिए एक छोटी सी लकड़ी तोड़ करके लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा सपोर्ट में खड़ा रहे पौधा। ये देखिए, इस जगह तुलसी जी भी लगी हैं तो इसकी डालियां सूख गई हैं, तो उसी से तोड़ करके एक लगा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मिट्टी की कमी मैंने बहुत ज़्यादा फील की है, तो मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ था, लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है घर पर। तो मिट्टी नहीं रहने से मैं बालू में ही अपने पौधे लगाना शुरू कर दी थी, जिससे मेरे पास पौधे बहुत सारे हो गए हैं। बाद में धीरे धीरे करके मिट्टी भी मुझे मिल गई तो ज़्यादा सारे मैंने पौधे लगा लिए हैं। फ्रेंड्स, ये अपराजिता की पत्तियाँ इस तरह से होती हैं और आसानी से पौधा इसमें सेट हो चुका है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। पॉटिंग मिक्स जब अच्छी होती है तो पौधे की ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो आप सूखी पत्तियाँ और सब्जियों के छिलके का यूज़ कंटेनर में पहले पूरा आधे से ज़्यादा फिल कर लें और ऊपर से जो भी हो उसे डाल दें, और इस तरह से आप भी अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं।